हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्राडे गाइड। सो गाइस, अब हमें देखना है कि नेक्स्ट वीक मार्केट की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है बैंक निफ्टी की, और निफ्टी की संभावना कहाँ है। गाइस, कुछ मैक्रो फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नेक्स्ट वीक मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसके ज़्यादा इसके अलावा भी और भी कुछ हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपकी एक तो एजुकेशन इंक्रीज होगी और दूसरी बात आपको मार्केट की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। नेक्स्ट वीक के अंदर क्या रेंज रह सकती है, और रेंज शायद टूट भी सकती है, तो वो किस तरफ टूट सकती है और हमें किस तरफ उसके बाद ट्रेड लेना है, तो वो भी इस वीडियो के अंदर हम ज़रूर देखेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर हम बात करते हैं कुछ मैक्रो फैक्टर्स के ऊपर, तो सबसे पहले आता है ग्लोबल सेल ऑफ। ट्रेड फियर जो हो रहा है, ट्रेड वॉर का जो फियर है, उसकी वजह से मार्केट यूएस की बहुत गिर रही है। दूसरा रीज़न जो आ रहा है कि जो जॉब डाटा आया है यूएस का, वो बहुत ज़्यादा कम आया है, एक वो हमारी यूएस की मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, तो ग्लोबल सेल ऑफ आ रहा है। अगर मैं आपके लिए जो आज वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप यूएस मार्केट के देखेंगे इंडेक्सेस, तो वो भी 2.5-3% तक गिर चुके हैं अभी भी, और वो हमारी मार्केट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। गाइज, अगर हम बात करें क्रूड ऑयल के इम्पैक्ट के बारे में, तो हम देख रहे थे कि 85 से 59 तक क्रूड ऑयल का प्राइसेस आ गए थे, पर आने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि जो एक मीटिंग चल रही है, तो वो उस मीटिंग के अब अलावा हमें पता चल गया है कि उन लोगों ने अपना एक प्लान निकाल दिया है कि जो ओपेक ने निकाला है कि जो सप्लाई है वो हम कट कर देंगे। जब मार्केट में सप्लाई कट हो जाएगी क्रूड ऑयल के प्राइसेस की, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है, तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो 59 से वापस ऊपर की तरफ अपने हाइस की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और वो हमारी मार्केट के लिए और पर्टिकुलर इस क्रूड ऑयल इंक्रीजिंग ऑफ क्रूड ऑयल के सेक्टर्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। सो गाइज, अगर क्रूड ऑयल 59 से वापस अपने हाइज की तरफ जाने वाला है इस 5-6 महीने के अंदर, तो कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली, उसकी भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। और गाइज, ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस को अगर मैं आपके लिए सामने जब भी वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से जब हमने मार्केट खुली थी आज फ्राइडे के सेशन में, तो जो क्रूड ऑयल का ब्रेंट ऑयल था वो 59 पे ट्रेड कर रहा था, और आज रात को ही उसने अपना हाई मारा है 63.50 का गाइस, यानी कि 5 से 6% वो बढ़ चुका था ये न्यूज़ आने के बाद। और ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है कि वो लोग सप्लाई कट कर रहे हैं क्रूड ऑयल की, जिसकी वजह से हमारी मार्केट को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। गाइज, दूसरी बात है यूएस डॉलर INR, जो कि 70 के ऊपर निकल चुका है और 71 को क्रॉस कर चुका है, और जो फिच है वो फिच ने रेटिंग दी है कि आने वाले साल के अंदर अंदर तक ये जो 71 है वो 78 तक भी जा सकता है, और शायद उसको भी तोड़ दे यूएस डॉलर, तो ये भी हमारी मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं हो सकती है। और जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट जब हमारी मार्केट ओपन होगी नेक्स्ट वीक, तो वो हमारी मार्केट को एक नेगेटिव व्यू पॉइंट दे सकती है। गाइज, ये जो मैं आपके सामने ये चार चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, ये सब हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ फैली जा रही है। चुनाव का अनुमान की अगर हम बात करें, तो जो तीन जगह हो रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो अगर हम एग्जिट पोल की बात करें, तो अगर हम उसको लेकर चलते हैं, तो हमें लग रहा है कि राजस्थान में मेजॉरिटी पार्टी जो होगी वो कांग्रेस ही होगी, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमें देखने की ज़रूरत है कि कौन सी पार्टी आ सकती है। हमारी मार्केट इम्पैक्ट नेगेटिवली तब करेगी जब दो जगह कांग्रेस बनती है और एक जगह बीजेपी बनती है। अगर हमारी दो जगह बीजेपी बन जाती है, यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी बन जाती है, तो वो शायद हमारी मार्केट को थोड़ा बहुत संभाल ले, पर ये जो तीन फैक्टर्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये तीन फैक्टर्स हमारी मार्केट को नहीं संभाल सकती। गाइज, कुछ और भी तगड़े फैक्टर्स हैं जो इनसाइड फैक्टर्स हैं, जो हमारी मार्केट नहीं सोच रही है या हमें नहीं पता चलता न्यूज़ के अकॉर्डिंग, या CNBC आवाज़ भी अगर हम खोले, जी बिजनेस भी खोले, तो जो लोग ज़्यादातर हमें नहीं बता पाते, पर वो आने वाले टाइम पे हमें पहले ही आगाह कर देगी कि हमारी मार्केट किस तरफ जा सकती है। सो गाइज, वो रीज़न ये है कि जो करंट अकाउंट डिफिशिएट है, जो इस क्वार्टर का है, वो $19.5 बिलियन का आया है, यानी कि पिछले क्वार्टर से $4 मिलियन बढ़ चुका है। $4 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ गाइज, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि करंट अकाउंट डिफिशिएट हमारा बढ़े जा रहा है, उसकी वजह से जो ग्लोबल फाइनेंसिंग है वो भी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, तो ये हमारी मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। जो इन्फ्लेशन है वो भी अब हल्के हल्के करते करते बढ़ रहा है, जो GDP ग्रोथ का जो अनुमान लगाती हैं जो कंपनीज, जो गवर्नमेंट लगाती है, वो भी अब हल्के हल्के उसकी भी रेटिंग कम हुई जा रही है, तो हमारी ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स मार्केट के अंदर आए जा रहे हैं, जो ग्लोबल सेल ऑफ आए जा रहा है, तो अब आपने देखा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा तरीके से गिर गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर गई थी। 600 पॉइंट्स हमने जब वेडनेसडे के मार्केट में देखा था, उसका रीज़न ये था कि ट्रंप ने एक ट्वीट करा था कि मैं एक ट्रेड मैन हूँ,
टैरिफ मैनू, तो वो एक शायद सच हो रही है बात, और उसकी वजह से यूएस मार्केट और हमारी मार्केट में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब ये जो नेक्स्ट वीक के 4 दिन रहेंगे, ये निफ्टी की रेंज को क्या सजेस्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर रेंज वो वाली टूटती है जिसका हमें 70% अनुमान लग रहा है कि वो रेंज शायद टूट जाएगी, तो वो निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा ब्रेंट ऑयल के फ्यूचर, तो आप देख सकते हैं ये अभी 61.45 पे ट्रेड कर रहा है, और आज जो इसने अपना हाई मारा है 63.70 का मारा है, अभी भी ये 2.5% अप है, और ये अगर हम बात करें 2-3 घंटे पहले की तो ये 5% से 6% ऊपर था। गाइस ये थोड़ा सा नीचे आया, इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि अब और ये ठंडा होते रहेगा, अब ये और ज़्यादा बढ़ेगा, और ये मुझे लगता है कि वापस अपने हाइस की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा इस एक साल के अंदर अंदर तक, ये अपने हाइस को भी क्रॉस कर सकता है, तो ये हमारी मार्केट को सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। गाइज अगर मैं आपको यूएस डॉलर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आज इसने ट्रेडिंग सेशन में 71 के ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू कर दिया था, और अब शायद ये इसे तोड़ देगी, तो ये हमारी मार्केट को सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दिला सकती है। अगर मैं आपको इसका यूएस का भी फ्यूचर्स दिखाता हूँ, यूएस इंडेक्सेस दिखाता हूँ, तो उसमें भी आप आराम से समझ लेंगे कि यूएस की मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। आप देख सकते हैं जो नैसडैक है वो 3.5% गिर चुका है, और डाउ 30.5% तक गिर चुका है इस ट्रेड वॉर फियर की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब हमारी मार्केट को एक नेगेटिव इम्पैक्ट में लेकर जा सकती है। जो ओपेक है जिसने सप्लाई कट कर दिया है, वो उसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुएगी, और ये हमारी मार्केट के लिए भी और यूएस की मार्केट के लिए भी, दोनों के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ बनती हुई हमें देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं अगर निफ्टी 50 के बारे में, जिसकी वजह से हम इस वीडियो में अपनी बात कर रहे हैं। ये जो मैं आपको चार्ट्स दिखाने से पहले एक न्यूज़ बताता हूँ, उसका मोटिव ही यही है कि जो भी आपको एजुकेशन मिलनी हो वो आपको सिर्फ चार्ट्स में ही ना मिले, क्योंकि सिर्फ चार्ट्स हैं वो हमें इंडिकेशन नहीं देते हैं, उसके अलावा भी हमें मैक्रो फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, माइक्रो फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, इकोनॉमी फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला के हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है। वही अगर हम चार्ट्स के बिहेवियर में ही चलेंगे तो मार्केट हमें एक बहुत ज़्यादा अच्छा नुकसान भी दे सकती है, और कभी कभार बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा भी देख सकती है। तो गाइस अब मैं आपके लिए ये अर्ली चार्ट लेकर आया हूँ निफ्टी 50 के अंदर। तो मैंने आपसे कहा था अपनी कल की वीडियो में भी कि निफ्टी शायद इस लेवल से बाउंस कर सकती है, और क्योंकि ये आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से एक अप मूव लेकर ऊपर गई और ये वापस रेंज में चली गई थी। आपको अगर मैं ट्रेंड लाइन बना के दिखा रहा हूँ तो ये एक रेंज है जिस रेंज में चली गई थी, और इस पैटर्न को हम कहते हैं मेजर्ड शेप पैटर्न। गाइस ये मार्केट ऊपर गई और एक रेंज में चली गई। अब इस रेंज में हमने देखा कि यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ये लिया, और यहाँ पर सपोर्ट लेके इसने वापस एक अपमूव दिया है। अगर अब अपमूव दिया है तो हम एक एजम्पशन लेकर चलते हैं कि ये अपमूव हमें इस ट्रेंड लाइन तक तो जरूर लेकर जाएगी, या फिर अपने इस पुराने हाई तक तो जरूर लेकर जाएगी। पर हमें अब ट्रेंड लाइन के बेसिस में अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो हमारा जो सिग्नल बन रहा है वो बाय सिग्नल बन रहा है, पर अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में सोचेंगे तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग सेल इंडिकेटर बता रहा है कि हमें स्ट्रांगली सेल करना है मार्केट को। सो गाइस अब हमें किस तरीके से बिहेव करके चलना होगा। अब हमें देखना है कि एक छोटी सी रेंज मान के चलते हैं अगले हफ्ते के लिए, जो कि है 10,780 या 10,800 का लेवल, जो कि हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आर्ली चार्ट के अंदर। यानी कि अगर मार्केट 10,800 के ऊपर जाती है तो शायद कुछ और तरीके के पैटर्न्स डेवलप होते रहे, वरना कोई अलग न्यूज आ जाए पॉजिटिव जो हमारी मार्केट को ऊपर लेकर जा रही है। पर जिस तरीके से चार्ट शो कर रहा है वो बता रही है कि जो न्यू अपने जो पुराने हाईस थे, जो प्रीवियस हाई आली चार्ट में बना हुआ था, उसके आसपास जाने की इसकी कैपेसिटी है। पर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, ये नेगेटिव न्यूज़ बहुत तरीके से आ रही है, वो शायद हमारी मार्केट को नीचे लेकर जा सकती है। और अगर ये मार्केट इसको तोड़ देती है, यानी कि जो इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 570 का, 10,570 का, तो भी हमें मार्केट को सेल नहीं करना, क्योंकि ये एक फॉल्स सिग्नल हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ज़्यादातर एनालिस्ट जो भी होंगे जो इस चार्ट्स को फॉलो करते हैं, जैसे इस पैटर्न के बारे में पता है, तो वो सीधा शॉर्ट करना शुरू कर देंगे निफ्टी को। पर वो एक फॉल्स सिग्नल हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ तक तो आने के बाद यहाँ पर रुक सकता है, जो कि लेवल है 10,500 या 10,480 का लेवल है, जो इसका प्रीवियस लो बना हुआ है, जो इसका प्रीवियस सपोर्ट है। अगर मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई है, सपोर्ट लाइन बनाई हुई है, जो कि 10,480 का शो कर रहा है, मार्केट यहाँ पर जाके भी रुक सकती है, और फॉल सिग्नल की वजह से
लोग यहां पर भी शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, पर मार्केट यहां से बाउंस कर सकती है और इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके वापस अपने रेंज में आ सकती है। सो गाइस इस तरीके से हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, हमें बिल्कुल स्पेसिफिकली सोचना है, क्योंकि हमें लॉस नहीं चाहिए। हम ट्रेड ना करें, हम वेट कर सकते हैं, पर हमें लॉस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मार्केट में लोग तभी घुसते हैं, और मार्केट में घुसने का रीज़न ही आपके पास ये होना चाहिए कि हम लॉस बुक नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे अच्छे ट्रेड या प्रॉफिटेबल ट्रेड आने का। सो गाइस मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है इस मैक्रो न्यूज़ की वजह से कि मार्केट अगर 10,500 को तोड़ देती है, फॉर एग्जांपल अगर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट इस नेक्स्ट वीक में 10,500 को तोड़ देती है और इसके नीचे क्लोजिंग देती रहती है एक दिन तक, दो दिन तक, तो मार्केट अच्छा खासा फॉल ले सकती है। फॉल ले सकती है तो उसके बाद मार्केट कहाँ तक जा सकती है? मार्केट जा सकती है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो रेंज आ रही है, ये रेंज जो प्राइस जो इस रेंज का डिफरेंस होगा वहां तक मार्केट उतनी तक मार्केट गिर सकती है आराम से। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ जो रेंज बन रही है 10,500 से लेके 10,900 तक, यानी कि 400 पॉइंट की रेंज हमें शो कर रही है, तो उसके आधे तक तो 50% तक मार्केट गिर सकती है। यानी कि अगर 10,500 को तोड़ती है तो वो 10,300 या 10,250 तक आराम से मार्केट जा सकती है। तो वो आपको ये पैटर्न्स कब मिलेंगे जब मैं आपको सिखाऊंगा, आपको मैं हर दिन अपनी नई वीडियो पे नया नया पैटर्न के बारे में समझाते रहता हूँ। मेरे को बहुत से कमेंट्स आते हैं, मेरे को व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि सर हमने ये बटरफ्लाई पैटर्न आइडेंटिफाई करा है, हमने ये गार्टले पैटर्न आइडेंटिफाई करा है, हमें इससे अच्छा खासा फायदा हुआ है। सो गाइस मैं आपको सारे जो पैटर्न्स बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही तरीके के पैटर्न्स बताता हूँ। सो अब हमें देखना है कि अगर ये 10,550 के लेवल को तोड़ती है और अगर वो 10,500 या 10,480 पे सपोर्ट लेती है, तब तक हम तो इसे शॉर्ट नहीं करेंगे, चाहे हमें प्रॉफिट दे रहा हो चाहे ना दे रहा हो। वरना हम 10,500 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 10,550 के नीचे शॉर्ट करेंगे तो 10,500 पे उसे बुक कर लेंगे, जब तक ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देके वहां पर एक दिन तक उसके ऊपर नहीं निकलता या उसके नीचे ही ट्रेड करता है। अगर 10,500 के नीचे या 10,480 के नीचे मार्केट ट्रेड करता है एक दो दिन तक, तो हमें क्लियरली मार्केट को शॉर्ट कर देना है, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन होगी जो होगी 10,580 की। सो गाइस ये जो पैटर्न आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पैटर्न बहुत क्लियरली पैटर्न आपको मैं दिखा रहा हूँ, पर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर हम एक दो महीने की बात करें, मैं आपको आली चार्ट में लेकर जाना चाहूंगा। आली चार्ट में जो पैटर्न हमें एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो डेवलप हो सकता है, वो हो सकता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर गई। आपको मैं दिखाना चाहूंगा मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। मैं आपके लिए एक सेकेंड आप वेट करें, ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई और वापस नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, इसने अपना हेड बनाया, वापस मार्केट नीचे आई और इसने अपने ही बॉटम पे सपोर्ट लिया, वापस मार्केट ने एक अपमूव दिया। अपमूव देने के पास हम कह सकते हैं कि मार्केट को 11,180 या फिर 11,100 तक तो जाना ही चाहिए अपने दूसरे शोल्डर के आसपास, फिर हम वहां से कह सकते हैं कि अगर वो वापस नीचे गिरता है तो अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। और आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन जो है बिल्कुल अपने पहले शोल्डर की तरफ ही है। आप देख सकते हैं अगर आप यहां पर इसे मैच करेंगे, और ये जो लाइन मैं आपके लिए खींच रहा हूं ये आप लाइन देखेंगे तो बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे ही ये एग्जिट जाके बंद हो रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, जो सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस में ही हम कह सकते हैं कि कहां पर निफ्टी जा सकती है या कहां पर गिर सकती है। हमें कोई भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कुछ मूविंग एवरेजेस और एक टिक ट्रेंड लाइंस, ये दो बेसिस में ही हम अपनी मार्केट की स्ट्रेटेजी को जान सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। अब मुझे लगता है कि अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है, तो अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है तो ये मार्केट वापस अपने 11,200 या 10,200 तक आराम से मार्केट फिसल सकती है, और वो अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है तो हमारी मार्केट वापस अपने बॉटम की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी, जो कि है 10,000 का लेवल। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 का लेवल जो और इसका जो प्रीवियस लेवल था 9,975 का, उसे भी ब्रेक कर देती है, तो गाइज आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म जो इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न था उसे इसने नीचे की तरफ तोड़ दिया है, और अब लॉन्ग टर्म हम कह सकते हैं कि जो इसने पैटर्न जहां से डेवलप करना शुरू करा है, यानी कि जनवरी से लेकर अभी तक 10 महीने का जो इसका पैटर्न है, 10 महीने तक ये शायद कंसोलिडेट करे नीचे की ओर और अपने 10,000 के लेवल को ना तोड़ पाए ऊपर की तरफ। तो ये कुछ फैक्टर्स हमें जो बता रहे हैं, ये फैक्टर्स मैं आप सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या हम एजम्पशन करके चलते हैं चार्ट्स के अंदर। बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफिक हम चार्ट्स पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें मैक्रो फैक्टर्स के ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा, हमें सारी न्यूज़ देखनी पड़ेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ ये मुझे सारी न्यूज़ मिलती कहाँ से है, वो है पल्स का जीरोधा। जीरोधा देख एक ये ऐसा वेबसाइट बनाई है pulse.zerodha.com की, अगर आप यहाँ पर जाएंगे आपको वर्ल्ड की
हर मिनट की न्यूज मिलेगी जो भी हमें काम की है। तो यहीं पर ही मैं सारी चीजें न्यूज पढ़ता हूँ, सारी चीजें पढ़ता हूँ और फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हर मिनट की न्यूज में पढ़ता हूँ, 24 घंटे की ये न्यूज है पूरी, आप देख सकते हैं। ये सारी न्यूज हमें फायदा देगी। इसमें पर्टिकुलर आपको स्टॉक के बारे में पता चलेगा, क्या स्टॉक्स के बिहेवियर हैं, कौन से एनालिस्ट इसी पल्स को अंदर अपने एजम्पशंस बताते हैं कि ये पैटर्न बन रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, हमें कल ये बाय करके चलना है, कल हमें ये सेल करके चलना है। ये सब चीजें आपको बहुत सारा फायदा दे सकती है। अगर आपको मार्केट के अंदर घुसना है तो ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए घुस रहा हूँ, इसकी नॉलेज लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अभी काम नहीं आएगी पर अगर आपको आगे जाके ये बहुत ज्यादा काम में आने वाले टाइम में देगी। सो गाइस ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी है जो आपके साथ कोई शेयर नहीं करता होगा। तो ये चैनल पे आप मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आपके साथ और भी चीजें लेकर आया था, वो मैं आपके साथ डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ। अगर आपको ये पढ़ना है तो इस वीडियो को आप पॉज करके इसको पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं, पर मैंने आपको शॉर्ट में ही बता दिया था रूपी कैसे स्लिप हो रहा है, फिच ने क्या रेटिंग दे रखी है और ग्लोबल सेल ऑफ क्यों आ रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन है जो मैंने आपको नहीं बताया है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। और जो इसके अलावा ग्लोबल सेल ऑफ के रीजन थे वो मैंने आपको बता दिए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मार्केट के लिए। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। निफ्टी की रेंज भी आपको मैंने बता दिया किस रेंज के बीच में रह सकती है। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के इन्वेस्टर्स के लिए, जो मैंने आपको ऑप्शन स्ट्रेटजीज दी थी इस पूरी एक्सपायरी के लिए, उसमें मैंने आपको आईओसी भी दिया था और मैंने आपको बताया था कि आईओसी सबसे ज्यादा गिर सकता है और गिरने का रीजन भी अब हमें पता चल गया, क्रूड ऑयल प्राइस के इम्पैक्ट, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, चार्ट्स भी हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि उसको गिरना चाहिए और 120 के लेवल से भी नीचे आ सकता है वो। सो गाइस अगर आप क्रूड, आपने मेरी वो ऑप्शन स्ट्रेटजीज नहीं देखी है जो मैंने एक्सपायरी के लिए बनाई है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं वो भी डाल दूंगा वीडियो, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसे ये पूरी वीडियो एंड होगी आपको वो इसी स्क्रीन पर शो कर देगी, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी ऑप्शन स्ट्रेटजीज मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं जो भी मैंने आपके लिए लेकर आया हूं। सो गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, जो भी जो भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं एक लाइक बटन को हिट जरूर कर दीजिएगा। और जो भी नए व्यूअर्स हैं जिन्हें ऐसी नॉलेज, एजुकेशनल नॉलेज चाहिए, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से होगा ये कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐसी एजुकेशनल वीडियो का और आप उसका सबसे ज्यादा लाभ उठा सकेंगे। सो गाइस जो भी कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स हैं और आपको लगता है उसकी और वजह से मार्केट नीचे गिर रही है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने उसके बारे में सोचा और आप मार्केट के न्यूज के बारे में भी कंसर्न करते हैं। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो कौन से स्टॉक्स हमें बाय या सेल करके चलने हैं, और जो मैंने आपको प्रीवियस आज फ्राइडे के स्टॉक्स बताए थे उसकी भी हम बात करेंगे कि उसके बारे में क्या रहा, कौन से स्टॉक्स ने टारगेट हिट करा, कौन से स्टॉक्स ने स्टॉप लॉस हिट करा। तो सारी डिटेल वीडियो भी आपके साथ कल लेकर आने वाला हूँ, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा। जिसको भी नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए होगी, जिसको भी नॉलेज गेन करनी है, आप अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स को शेयर करिएगा, उन्हें भी लगेगा कि आपको भी नॉलेज गेन हो रही है तो वो लोग भी आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे। सो गाइज इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा, मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।